बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल कुकिंग विद हसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पे सपोर्ट करें। हमें आपके तमाम का बहुत शुक्रिया, काफ़ी दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो नया दोस्त हैं वो भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम आपके लिए बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी लाए हैं चिकन तवा पीस की, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आला टेस्ट पे और बहुत ही आसान तरीके से के साथ बनाना सिखाएंगे। ये रेसिपी आप तमाम दोस्त फॉलो करें जो जॉबलेस हैं या जो नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन तवा पीस के लिए हमने 5 पीस ले लिए, पूरा लेग पीस। तो इसको हमने अच्छी तरह वाश करके खुश कर लिया है, तो इसको सफाई कर लें अच्छी तरह। ये जो एक्स्ट्रा हड्डी है इसको हम काट देंगे और तमाम पीसेस को कट लगा लेंगे, अच्छे गहरे कट लगाएंगे। इस जगह से जोड़ पे भी कट लगाएं। तमाम पीसों को इसी तरह अच्छी तरह कट लगा लेंगे। तवा चिकन बहुत ही मशहूर रेसिपी है। 4 टेबलस्पून हमने दही लिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक हसबे जायका, थोड़ा सा पपरिका पाउडर शामिल करेंगे, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। लेमन जूस शामिल करेंगे, हमने 3 अदद लेमन लिए, इनका जूस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून बटर शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आग की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तमाम पीसों को मसाले में डिप करेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह। तमाम चिकन को हम अच्छी तरह मसाला लगा के इसको हम 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फ्रिज में रखेंगे। गार्निश के लिए हमें चाहिए सब्ज़ धनिया फ्रेश बारीक कटा हुआ, अदरक जूलियन कटा हुआ और सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद और 1 से 2 लेमन के स्लाइस, ये हमें गार्निश के लिए चाहिए। 1 मीडियम प्याज लेंगे और 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे, इनको बारीक चॉप कर लेंगे क्योंकि हम तवा पीस के साथ हल्की सी ग्रेवी मसाला भी बनाएंगे जिससे खाना अच्छी तरह खाया जाए। हम ड्राई में बनाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह बारीक प्याज आप इसी तरह से काटो। टमाटर को भी सेम हम बारीक चॉप कर लेंगे।
ये हमारे मसाले के लिए हमें चाहिए प्याज टमाटर और थोड़ा अदरक लहसुन लेंगे हम, और बाकी मसाले हम साथ साथ इंशाल्लाह आपको गाइड करते जाएंगे, तो आप हमारे साथ रहें। ये तवा पीस के लिए हमने तवे को चढ़ा दिया है, तवा हमारा माशाल्लाह गर्म हो रहा है, तो हम इस पर हल्का सा ऑयल या घी, देसी घी, बटर, जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तमाम चिकन के पीसों को हम रखेंगे, ये हमने हल्का हल्का तलस दे दिया पीसों को, अभी हम प्याज डालेंगे। प्याज हमारा हल्का सोते हो चुका है, तो अभी हम इसमें अदरक लहसुन एक टी स्पून डालेंगे करेंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एक टीस्पून, गरम मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्का सा पानी लगाएंगे। हमारा चिकन की मैरिनेशन वाला मसाला था, ये हम सारा ऊपर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, आंच हल्की कर देंगे। हल्का सा पानी लेके जो हमारा मसाला तवे पे इधर उधर लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसको पानी की मदद से चिकन में डाल देंगे। माशाल्लाह चिकन ने भी पानी छोड़ा है। मसाले को अच्छी तरह आप चॉप कर लें ताकि मसाला हमारा बिल्कुल बारीक हो जाए। कोशिश करें कि आप जब तवा चिकन बना रहे हैं तो आपका तवा जो इसका पैन मोटा होना चाहिए, मतलब तवा तला मोटा होना चाहिए, तो इस स्टेज पे हम हल्की सी हल्दी लगाएंगे कलर पोछा करने के लिए। माशाल्लाह चिकन भी हमारा गल चुका है, मसाला भी हमारा रेडी है, आंच स्लो रखें,
पहन के एक कप दही का शामिल करेंगे। आपके चिकन को किसी किसी जगह पे ऐसा कलर आना चाहिए, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। पूरा बिल्कुल लाल नहीं करना, हल्का हल्का कलर फुल हो चिकन आपका। तो इतना सब कैसा हम देंगे, ये जो आवाज है ना ये भूख को बढ़ाती है। कोशिश करें आप इस आवाज को ना सुने। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत खुशबू है माशाल्लाह। तवा पीस रेडी है, तो अभी हम इस पे गार्निश डालेंगे। हरी मिर्चें, अदरक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आला किस्म का टेस्ट है दोस्तों, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर करें, और दोस्तों कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमें किस किस शहर, किस किस कंट्री से हमें फॉलो कर रहे हैं। तो आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।